दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जहां 42 साल तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। जब भी कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन के पास से गुजरती थी तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोकने की बजाय उसे और तेज भगाने की कोशिश करता। इस रेलवे स्टेशन का लोगों में इस कदर खौफ था कि जब भी यह स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन में बैठे सभी यात्री ट्रेन के खिड़की दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लेते थे और इस स्टेशन के गुजर जाने के बाद ही ट्रेन के खिड़की दरवाजों को खोला जाता था। ऐसा नहीं है कि इस रेलवे स्टेशन पर कोई काम नहीं करता, पर जब कभी भी इस रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी तो कुछ दिनों में ही वहाँ के कर्मचारी भाग जाया करते थे। धीरे धीरे उस रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसा हो गया कि वहाँ पर कोई भी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता था। वहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियों का यहाँ तक कहना था कि अगर हमें जबरदस्ती इस स्टेशन पर नियुक्त किया गया तो हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करेंगे। आखिरकार जब रेलवे प्रशासन को लगा कि अब इस रेलवे स्टेशन पर कोई काम करने वाला नहीं है तो इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। सोचने वाली बात यह थी कि आखिर इस रेलवे स्टेशन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से कोई भी कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करना चाहता था। क्या वजह थी कि ट्रेन का ड्राइवर इस रेलवे स्टेशन के आने से पहले ट्रेन की रफ्तार और बढ़ा दिया करता था? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैगुन कोदर स्टेशन की। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है बैगुन कोदर। बैगुन कोदर स्टेशन की गिनती भारत के सबसे डरावने रेलवे स्टेशनों में होती है। अपनी हॉन्टेड कहानियों के कारण ये स्टेशन 42 सालों तक बंद पड़ा था। कहते हैं कि शाम के बाद यहाँ सफेद कपड़े वाली एक लड़की का भूत दिखाई देता है। जिसने भी उस भूत को देखा वो जिंदा नहीं बच पाया। हैरानी की बात यह है कि रेलवे रिकॉर्ड में भी इस स्टेशन को बाकायदा भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया है। इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत साल 1965 में हुई थी और इस स्टेशन के बनने के बाद बैगुन कोदर में रहने वाले लोगों की बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई थी क्योंकि उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। जब इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई तो गांव के सभी लोग यात्रा करने के लिए इस स्टेशन का इस्तेमाल किया करते थे। रेलवे स्टेशन बनने के बाद कुछ साल तक सब कुछ ठीक से ही चल रहा था, लेकिन 1967 में इस स्टेशन पर एक बड़ी ही अजीब सी घटना देखी गई। 1967 में इस स्टेशन पर मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया था। एक बार स्टेशन मास्टर ने देखा कि जैसे ही इस स्टेशन पर ट्रेन आई, एक लड़की ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। उस दिन तो स्टेशन मास्टर ने इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन अगले दिन फिर से उसी लड़की को देखा जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी और इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसने ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया। यह नजारा देखकर स्टेशन मास्टर हैरान रह गया। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भी कहा कि उन्होंने भी एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा है। इतना ही नहीं, कई बार वह लड़की प्लेटफार्म पर खड़े होकर नाचती भी है और कई बार भागते हुए रेलवे ट्रैक पर आ जाती है और रेल की पटरी पर नाचने लगती है और फिर गायब हो जाती है। स्टेशन मास्टर को समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण भूत नहीं है। इसी के डर से स्टेशन मास्टर कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला गया, लेकिन गांव में जाने के कुछ दिन बाद ही उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके बाद यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद ही इस रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्टाफ की नियुक्ति की गई और उसने भी कुछ ऐसा ही देखा। अगले दिन ही उसने नौकरी छोड़ दी और कहा कि मैं इस रेलवे स्टेशन पर काम नहीं करूंगा। फिर तीसरे स्टाफ को इस रेलवे स्टेशन पर भेजा गया, लेकिन उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि गांव के लोग भी इस स्टेशन के नाम से डरने लगे थे और अब कोई भी इस रेलवे स्टेशन पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि गांव के लोग 50 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन पर जाकर रेल पकड़ने लगे थे। अब यह रेलवे स्टेशन भूतिया स्टेशन के नाम से मशहूर हो गया था और धीरे धीरे यह बात कोलकाता तक पहुँच गई। अब इस रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं मिल रहा था और इसी की वजह से रेलवे रिकॉर्ड में इस स्टेशन को भूतिया करार दे दिया गया और 1968 में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। 1968 के बाद इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रोकी गई। वक्त ऐसे ही बीतता गया और 1968 के बाद 2007 का वक्त आ गया। धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन की कहानी पैरा नॉर्मल सोसाइटी तक पहुंच गई और वह अपनी टीम लेकर इस स्टेशन पर रिसर्च करने पहुँच गए। जैसे ही उन्होंने बैगुन कोदर गाँव में कदम रखा तो उन्हें एहसास हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गाँव वालों का कहना था कि आज से कई सालों पहले इस रेलवे स्टेशन पर एक लड़की की दर्दनाक तरीके से मौत हुई थी
और उसी का भूत रेलवे स्टेशन पर दिखाई देता है। कहा जाता है कि जो कोई भी उसे देख लेता है उसकी मौत निश्चित होती है। इतना सुनने के बावजूद भी पैरानॉर्मल सोसाइटी ने इस स्टेशन पर एक रात रुकने का फैसला किया, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वक्त ऐसे ही बीतता गया और 2009 में इस स्टेशन को फिर से खोल दिया गया, लेकिन यह शर्त रखी गई कि शाम 5 बजे के बाद इस स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी। ऐसा माना जाता है कि शाम 5 बजे के बाद ही उस लड़की की आत्मा स्टेशन पर दिखाई देती है। आखिरकार 42 साल बाद इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी गई। आज भी जब कोई ट्रेन इस स्टेशन पर रुकती है तो कई लोग डरे सहमे से उतरते हैं। बैगुन कोदर भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां आज भी लोग रात में जाने से कांपते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।